नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान जारी है और अभी हम विधानसभा क्षेत्र कुंदरकी में हैं। लोगों से जानने की ये कोशिश करेंगे कि यहां पर जनता किन मुद्दों के साथ वोट कर रही है। लोगों से जानेंगे कि मुद्दे क्या हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? फैजान अली। फैजान, मतदान शुरू हो चुका है, जनता के मन में क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को देखकर वोट कर रहे हैं? अपने लोकल के जो मुद्दे हैं, जो हमारा विधायक एक अच्छा पढ़ा लिखा नौजवान जो असेंबली में बोले और हमारे मुद्दे को उठाए, ऐसा होना चाहिए। और एक अच्छा पढ़ा लिखा नौजवान युवा विधायक को इस बार जनता चुनने जा रही है। लगातार योगी सरकार अपने काम गिनवाते हुए नजर आ रही है, क्या लगता है कि फिर से योगी सरकार को जनता मौका देगी? नहीं, बिल्कुल मौका नहीं देगी। बिल्कुल खोखले वादे थे उनके, कोई काम उन्होंने सही नहीं किया था। जो अब अगर उन्होंने बुलडेजर का नाम ले रहे हैं, वो लगातार एक तरफा कार्यवाही नहीं, एक मीम जो मतलब मुख्तार अंसारी या फिर अतीक अहमद, एक दो माफियाओं के नाम लेके उन्होंने बस कार्यवाही का दिखावा किया। बाकी जो उनके माफिया थे, धनंजय सिंह, बृजेश सिंह, सुनील सिंह, मोनू सिंह, किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। धनंजय सिंह आपने देखा होगा मैच खेल रहे हैं, उन्हें पुलिस ढूंढ रही है, बिल्कुल गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो वोट कर दिया तुमने? जी बिल्कुल। क्या बदलाव के पक्ष में वोट? बिल्कुल बदलाव के पक्ष में वोट किया है। और इस टाइम जो RSS भाजपा की विचारधारा के खिलाफ जो पार्टी लड़ रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी, हम लोग ज़्यादातर समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। जी क्या नाम हुआ? आशकार अली। वोट किया भी या नहीं? नहीं किया अभी। नहीं किया, क्या किन मुद्दों के साथ जाओगे मतदान? लोकल मुद्दों के साथ वोट करेंगे। लोकल मुद्दे क्या है? जैसे गांव के विकास हैं, कार्य हैं, यही हैं लोकल मुद्दे। हमारे काम में आने वाला जो व्यक्ति होगा उसी को वोट करेंगे। कहीं ना कहीं ये भी जनता के मन में है कि बदलाव कौन कर सकता है या कौन लेकर आ सकता है, किसको वोट देंगे जो बदलाव होगा, क्या ये यहाँ पर लोगों के दिमाग में है? बदलाव का दिमाग में है लोगों के, जनता के दिमाग में बदलाव का है। ये पार्टी बदलना चाहते हैं लोग, मुख्यमंत्री दूसरा देखना चाहते हैं। दूसरा मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? कोई भी बने। ठीक। अच्छा, जो लगातार यहाँ पर विधायक रहे हैं और अब उनका जो है टिकट काटा गया है, उनको लेकर क्या स्थिति है यहाँ पर? हम तो उन्हीं लोगों को वोट दे रहे हैं जो मौजूदा विधायक हैं, उन्हीं को वोट कर रहे हैं। जी बताइए क्या माहौल है? माहौल क्या है, जो पिछली सरकार 5 साल सरकार चली है, उनके जो भी मुद्दे हैं वो उससे भटके हुए थे। और क्राइम जो है कंटिन्यू बढ़ा है लगातार। और जो पिछली सरकार में जो अभी लखीमपुर खीरी का जो मुद्दा था, जो हादसा हुआ है किसानों के साथ, वो नहायत ही दुखदार हादसा था। और उसका जो मतलब उनके टेनी साहब के जो सुपुत्र हैं, उनको 3 महीने के बाद ही उनको जमानत दे दी गई। तो एक तरह से ये किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ है, उनकी भावनाओं से खेला गया है। और इस बार जो जनता है वो उसको जवाब इंशाल्लाह जरूर देगी। जनता जवाब देगी यानी बदलाव की आप बात कर रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो है सीटों को लेकर इस क्षेत्र में काफी उथल पथल रही है, क्या लगता है इसमें? देखो ये तो जनता के ऊपर है, लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है ना कि बदलाव अगर कोई ला सकता है तो वो दूसरी पार्टी है। हाँ बिल्कुल दूसरी पार्टी है, बिल्कुल दूसरी पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अपनी कुंदरकी विधानसभा 29 की, तो यहाँ पर हम वर्तमान में जो विधायक हैं हम उन्हीं के साथ हैं इंशाल्लाह, और हमेशा ही उन्हीं के साथ रहेंगे। क्योंकि हमें जो चाहिए लोकल का आदमी चाहिए, ना कि बाहर का आदमी चाहिए। हमारा लोकल का ही आदमी हम लोगों के बीच में हमारा जो समस्याएं हैं उसको सुलझा सकता है। बाकी बाहर का आदमी हमें उम्मीद नहीं है कि वो हमारी समस्याओं को विधानसभा तक लेके जाए। बाहरी कहाँ से होगा, लोकसभा क्षेत्र आपका वही लगता है? लोकसभा से कुनरकी जिताते हुए आए हैं? नहीं, कुनरकी जिताते हुए आए हैं और इंशाल्लाह हाजी रिजवान साहब को ही जिताते रहेंगे। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे? जो लोकल के विधायक हैं वर्तमान हाजी मोहम्मद रिजवान साहब, उनके प्रति लोगों की सिंपत्ति है और इसलिए जो उनके समर्थक हैं वो उनका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो है फाइट में नहीं है वो, इस बार फाइट में जो है समाजवादी पार्टी की फाइट होगी और पहले नंबर पे समाजवादी पार्टी ही है 29 कुंदरकी में। पर हो सकता है ऐसा कि यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं विकास को देखकर ये लोग वोट करना चाहते हैं? वो सपा के ही विधायक थे लेकिन उनका टिकट राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व ने काटा। क्यों काटा, क्या वजह रही, ये तो आप वही जानते हैं, नेतृत्व जानता है या हाजी रिजवान जी जानते हैं, उनका टिकट कटा। लेकिन जो इस टाइम फाइट है वो समाजवादी से है, पूरी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही RSS की विचारधारा, भाजपा की विचारधारा के खिलाफ चुनाव में है और सत्ता परिवर्तन के लिए पूरी तरह यूपी तैयार है, परिवर्तन हो रहा है, एक युवा नेतृत्व को यूपी परिवर्तन के लिए समाजवादी पार्टी है। बिल्कुल। चलिए और लोगों से बात करते हैं। इशरत अली। इशरत, वोट कर दिया? जी कर दिया। क्या देखकर वोट किया? किसानों के साथ हूं मैं तो। किसानों के साथ? किसानों के साथ।
जहाँ जाएंगे किसान वहीं मैं दूंगा। कहाँ गए? जहाँ भी जाएंगे, नल पे जाएंगे, साइकिल पे जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे उनके साथ। अच्छा, एक और पार्टी भी है असद्दीन ओवैसी की, क्या माहौल? नहीं, इस टाइम तो भाई मैं किसानों के साथ हूँ। जी बताइए, वोट किया क्या? किया। क्या सोचकर, क्या ध्यान में रखकर, किन मुद्दों के साथ वोट? बदलाव चाहते हैं बेरोजगारी पे। बेरोजगारी पे बदलाव चाहते हैं। कौन सी सरकार है जो ये रोजगार देगी? भरोसा है समाजवादी। समाजवादी, क्योंकि यहाँ पर सीटों को लेकर जो पहले समाजवादी के विधायक थे वो अब बीएसपी से लड़ रहे हैं, तो कोई ऐसा तो नहीं है कि आप विधायक को देखकर वोट करेंगे या? नहीं नहीं, हमें तो पार्टी के हिसाब से करना है। पार्टी के हिसाब से करना है बस, हमें तो माहौल बदलाव का है। माहौल बदलाव का सर। वो ऐसी साहब भी हैं यहाँ पर? कुछ कोई उनका कोई जनाधार नहीं है, है? उनका कोई जनाधार नहीं, जनाधार नहीं है। वोट किया आपने? हाँ डालिए। बिल्कुल। इस मुद्दे के साथ डाल गए हो? हाँ जी, रिजवान को डाल गए। मुद्दा ही क्या है? अच्छा, क्यों, उन्हें क्यों टिकट क्यों काट दिया? टिकट क्यों काटा समाजवादी से? अच्छा, उससे दुखी हैं कि समाजवादी पार्टी को टिकट नहीं काटना चाहिए? हम पार्टी को वोट नहीं देते, हाजी रिजवान को वोट देते। अच्छा। विधानसभा 29 कुंदरकी में हम मौजूद हैं। लोगों से बात कर रहे थे कि यहाँ पर जनता जो है वो किन मुद्दों के साथ वोट करने वाली है। लोगों की राय आपने सुनी, इन मुद्दों के साथ जनता जो है वोट करने वाली है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात कर रहे थे, आपको क्या लगता है? आप भी अपने मुद्दे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इम्तियाज हुसैन के साथ आकिल रजा की रिपोर्ट, विधानसभा कुंदरकी।